ये एक तस्वीर देखिए, इसमें एक अश्वेत व्यक्ति दिख रहा है। कमर पर धोती के अलावा पूरे बदन पर एक धागा तक नहीं। उसका एक घुटना जमीन पर टिका है। हाथों और पैरों में जंजीर बंधी है। बिछी हुई मुट्ठी हवा में उठी है और नीचे लिखा है, एम आई नॉट अ मैन एंड अ ब्रदर? क्या मैं एक इंसान और भाई नहीं हूं? साल था 1787। उस वक्त ब्रिटेन में दास प्रथा को खत्म करने की मुहिम चल रही थी। ऐसे में मई 1787 में दिग्गज उद्योगपति जोसिया वेजवुड और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक संस्था बनाई, जिसका नाम रखा सोसाइटी फॉर अफेक्टिंग द एवोल्यूशन ऑफ स्लेव ट्रेड। गुलामों के कारोबार को हटाने के लिए बनाई गई संस्था, गुलामों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कानून बनाने के लिए मुहिम चलाने वाली संस्था। जोसिया वेजवुड ने 1759 में वेजवुड नाम की एक कंपनी बनाई थी। ये कंपनी मिट्टी की कलाकृतियां बनाकर दुनिया भर में बेचती थी। जब संस्था का काम शुरू हुआ, तब वेजवुड ने कैंपेन के लिए एक प्रतीक चिन्ह लाने के बारे में सोचा। और ये चिन्ह क्या था? जंजीरों में जकड़े घुटने टिकाए अफ्रीकी गुलाम की तस्वीर। ये वेजवुड की कंपनी से बाहर आई थी और ये तस्वीर असल में एक तमगे पर उकेरी गई थी, जिसे संस्था ने देश भर में बांटा और कुछ ही वक्त में इसने तहलका मचा दिया। ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप में दास प्रथा के खिलाफ माहौल बनने लगा। बहुत सारे लोग मुहिम से जुड़ने लगे। इस तस्वीर की लोकप्रियता का आलम जोसिया वेजवुड के एक साथी ने बयां किया था। महिलाएं इसे अपने ब्रेसलेट में पहन रही थीं, कुछ इसे अपने बालों में पिन की तरह इस्तेमाल करने लगी। कुछ ही वक्त में ये फैशन का हिस्सा बन चुका था। फैशन एक समय बेकार की चीजों तक सीमित था, लेकिन इस बार उसे न्याय, मानवता और आजादी के मिशन को बढ़ावा देने वाले प्रतिष्ठित माध्यम के तौर पर देखा जा रहा था। इस तस्वीर को 18वीं सदी की सबसे प्रभावशाली कलाकृतियों में गिना जाता है। इससे फैली जागरूकता का नतीजा था कि 1807 में ब्रिटेन ने अपने यहां गुलामों के व्यापार पर रोक लगाई। फिर 1833 में ब्रिटेन ने अपने पूरे शासन क्षेत्र में दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पर आज इस तस्वीर पर चर्चा की वजह क्या है? इसकी वजह है जेस्चर, हिंदी में बोले तो मुद्रा। तस्वीर में व्यक्ति जिस मुद्रा में बैठा है, वो आज के समय में नस्ल भेद विरोधी आंदोलनों का प्रतीक बन चुका है। टेक द नी या नी बेंडिंग। इन दोनों यूएई में T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही टीमें अपने अपने तरीके से नस्ल भेद का विरोध कर रही हैं। जैसे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने पहले मैच में घुटने मोड़े थे, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सीने पर हाथ रखकर कैंपेन को समर्थन दिया था। टूर्नामेंट में जब साउथ अफ्रीका का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, तब ऐसा नहीं हुआ। मैच से पहले कुछ साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों ने घुटने मोड़े, जबकि कईयों ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसको लेकर बवाल हुआ, साउथ अफ्रीका की फजीहत हुई और तब टीम मैनेजमेंट ने साफ निर्देश जारी किया कि हर मैच से पहले सभी खिलाड़ियों को टेक दनी वाली मुद्रा अपनानी होगी। इसका एक हिस्टोरिकल संदर्भ भी था। साउथ अफ्रीका में रंग भेद, नस्ल भेद का लंबा इतिहास रहा है। हम और आप नेल्सन मंडेला के संघर्ष को जानते हैं। रंग भेद की नीति के चलते टीम को कुछ वर्षों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन भी किया गया था। अब उसके आलोक में इस चीज को देखिए। किस चीज को? साउथ अफ्रीका का दूसरा मैच, जो 26 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज के साथ था। मैच से ठीक पहले विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने खेलने से मना कर दिया। कहा, मेरे पर्सनल रीजन है। लेकिन दिन की समाप्ति तक असली खबर बाहर आ चुकी थी और तब समझ में आया कि साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा। दरअसल डीकॉक ने टीम मैनेजमेंट के निर्देशानुसार नस्ल भेद के विरोध में घुटने मोड़ने से इनकार कर दिया था। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बाद में अपना बयान जारी किया और कहा, दक्षिण अफ्रीका के अतीत पर गौर करने के बाद मैनेजमेंट ने ये निर्देश दिए थे और ये फैसला लेते वक्त खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखा गया था। बोर्ड ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में विविधता को बिल्कुल जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जब बात नस्ल भेद के खिलाफ खड़े होने की आती है, वहां दो राय की कोई गुंजाइश नहीं है। बोर्ड टीम मैनेजमेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इसके बाद वो डीकॉक पर आगे की कार्रवाई करेगा। संभव है उन्हें हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम से बाहर कर दिया जाए। डीकॉक के फैसले के पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क हो सकते हैं, उन पर चर्चा फिर कभी। लेकिन आज इस खबर के बहाने हम नस्ल भेद के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट के इतिहास पर बात करेंगे, जानेंगे कि टेक द नी का कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ और ये स्पोर्ट्स में कैसे आया। साथ ही नस्ल भेद विरोधी अभियान के कुछ चुनिंदा प्रतीकों की कहानी भी जानेंगे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के महान गेंदबाज और अब कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे माइकल होल्डिंग का नस्ल भेद पर दिया बयान भी बताएंगे, जिसे हर किसी को निष्पक्षता से सुनना चाहिए। साल 1865, अमेरिका ने अपने यहाँ दास प्रथा को बैन कर दिया। सदियों से गुलाम बनाकर रखे गए अफ्रीकी अश्वेतों को आजादी मिल गई। 3 साल बाद नागरिकता का अधिकार भी, लेकिन ये कागज तक सीमित रहा। अश्वेत वोटर्स को पोलिंग बूथ से लौटा दिया जाता।
फिर 1870 में अमरीकी संसद ने 15वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी। इसमें लिखा था, यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी नागरिक को रंग, नस्ल या दासत्व के इतिहास के आधार पर वोट देने से रोका नहीं जाएगा। अब केंद्र ने तो संविधान लिख दिया, लेकिन बहुत सारे राज्य इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, और तब उन्होंने अश्वेत वोटर्स को रोकने के लिए नई तिकड़म अपनाई, उनके ऊपर कभी पोल टैक्स लगाया। कई राज्यों ने अश्वेत वोटर्स की साक्षरता को पैमाना बनाया और कुछ ने अपने यहां ग्रैंडफादर क्लॉज लगा दिया। अब ये क्या बला है, अगर आपके दादा ने अतीत के किसी चुनाव में वोटिंग नहीं की तो आप भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि अश्वेतों के लिए इस कसौटी पर खरा उतर पाना असंभव था। इसी तरह के और भी घटिया उपाय लगाकर उन्हें वोटिंग से रोका जाता रहा। और फिर आ गई 20वीं सदी। 50 और 60 के दशक तक इसके खिलाफ भारी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस आंदोलन के अगुआ लोगों में से एक थे। 1964 में अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट के जरिए सार्वजनिक जगहों पर और सेवाओं में जब नस्ल भेद पर पूर्ण बैन लगा दिया गया, तब ये बात वोटिंग पर भी लागू हुई। लेकिन दक्षिण के, यानी अमेरिका के जो दक्षिण में स्थित राज्य थे, वहाँ अब भी अश्वेत वोटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मुश्किल था, उनका विरोध होता था। और तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अलबामा के सेल्मा को ब्लैक वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन का केंद्र बनाने का फैसला किया। 1 फरवरी 1965 को किंग और उनके 250 समर्थकों ने काउंटी कोर्ट हाउस तक मार्च किया। उन्हें इस मार्च की इजाजत नहीं मिली थी, पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उससे ठीक पहले किंग और उनके समर्थक घुटनों के बल बैठ गए, अपना सर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। ये गांधी की अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग थे। मार्टिन लूथर किंग गांधी और उनके सत्याग्रह के तौर तरीकों को खूब मानते थे। लूथर किंग को इसके बाद जेल ले जाया गया। फिर आया अगस्त 1965 और अमेरिका ने वोटिंग राइट्स एक्ट को मंजूरी दी। इसके जरिए अश्वेतों को वोटिंग से रोकने में लगी सभी बाधाओं को ध्वस्त कर दिया गया। फरवरी 1965 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विरोध का तरीका पॉपुलर कल्चर में टेक अ नी का पहला उदाहरण बन गया। अब ये तो टेक अ नी का पहला उदाहरण हुआ, लेकिन इसे असली लोकप्रियता लगभग 50 बरस बाद मिली। 50 बरस बाद क्या हुआ? फास्ट फॉरवर्ड, अगस्त 2016, अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग चल रहा था। इस दौरान एक मैच में बीच मैदान एक वाकया हुआ। मैच से ठीक पहले अमेरिका का नेशनल एंथम बजा। मैदान में मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा हो गया, एक को छोड़कर। सैन फ्रांसिस्को 49ers के कॉलिन कैपरनेक न सिर्फ बैठे रहे, बल्कि उन्होंने अपना एक घुटना भी मोड़ दिया। ये एक तरह से नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का अपमान था। लेकिन कैपरनेक ने कहा, वो किसी ऐसे देश के झंडे का सम्मान नहीं करेंगे जो अश्वेत लोगों पर अत्याचार करता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये मेरे लिए फुटबॉल से बढ़कर है और मैं इससे मुँह नहीं मोड़ सकता। जाहिर सी बात है, घटना पर खूब हंगामा हुआ और अचानक से दो धड़ों में लोग बट गए। एक तरफ लोग कैपरनिक को नेशनल एंथम का अपमान करने के लिए लताड़ लगा रहे थे, जबकि दूसरा धड़ा उनकी हिम्मत की दाद दे रहा था। बहस के बीच कई टीमों और खिलाड़ियों ने कैपरनिक के स्टैंड को हाथों हाथ लिया, और तब से ये स्पोर्ट्स में प्रोटेस्ट का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मई 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से टेक अ नी ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का प्रतीक बन चुका है। लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने मूवमेंट के समर्थन में घुटने मोड़े हैं। ये IPL में भी देखने को मिला था। वेस्ट इंडीज की टीम पिछले कई महीनों से अपने हर मैच में इस परंपरा को निभा रही है। UAE में खेला जा रहा T20 वर्ल्ड कप इस कड़ी का नया हिस्सा बना है। अब एक और संकेत की बात कर लेते हैं, जब इतनी कहानी हो गई। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में दो अश्वेत अमरीकी एथलीट्स ने पोडियम पर नंगे पांव खड़े होकर ऐसा ही एक तहलका मचाया था। वो भी सत्याग्रह का एक तरीका था। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, उन्होंने अपनी मुट्ठियां हवा में भी तानी थी। 50,000 लोगों से भरा स्टेडियम वो दृश्य देखकर अवाक रह गया था। ये दृश्य अश्वेतों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में पूरी दुनिया को कुछ बताना चाहता था। टॉमी स्मिथ ने बाद में कहा भी था, हमें दिखना पड़ा क्योंकि हमें सुना नहीं जा रहा था। इस घटना के चलते स्मिथ और कार्लोस को ओलंपिक टीम से बाहर भी निकाला गया। उनके परिवार को धमकियां दी गई और लंबे वक्त तक उन्हें विलेन के तौर पर देखा गया। लेकिन स्मिथ और कार्लोस ने मुट्ठी भींचने वाली मुद्रा को पॉपुलर बना दिया। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा था। ज्ञात इतिहास की बात करें तो पहला उदाहरण मिलता है 1848 की फ्रेंच क्रांति में, जिसमें लोगों ने लुई फिलिप को अपदस्थ कर दिया था। इस क्रांति के दौरान लोगों का उत्साह देखकर मशहूर फ्रेंच पेंटर ऑनरे डोमिये ने एक तस्वीर बनाई थी, जिसका मुख्य किरदार हवा में मुट्ठी ताना हुआ दिखता है। डोमिये का मानना था कि वो मुट्ठी लोगों की इच्छा शक्ति, मजबूती और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। फिर 1930 के दशक में इसका इस्तेमाल स्पेन में हुआ। स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रेंको के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारियों ने भिजी मुट्ठी को अपने संघर्ष का प्रतीक बनाया।
फिर 1960 के दशक में अमेरिका में ये सिंबल ब्लैक पैंथर पार्टी के संघर्ष की पहचान बना। बाद के वर्षों में नेल्सन मंडेला समेत कई दिग्गज नेताओं ने इस प्रतीक को अपनाया। कई क्रांतियों, आंदोलनों, प्रोटेस्ट मार्च में भिजी हुई मुट्ठी संघर्ष, एकता और जुल्मत के खिलाफ जंग की पहचान बनती रही है। एक लंबा इतिहास है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। नए दौर में भिजी हुई मुट्ठी मई 2020 के बाद से ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आप बस इतना याद रखिए, हमने नस्लभेद के विरोध में होने वाले प्रोटेस्ट का इतिहास बताया। अब चलते हैं उस चैप्टर की तरफ जिसमें एक समाधान भी सुझाया गया है। इस चैप्टर का नाम है माइकल होल्डिंग। तारीख थी 9 जुलाई, बरस था 2020 का। साउथैम्पटन में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्ट चल रहा था। दूसरे दिन के खेल के बीच में बारिश आ गई। उसी ब्रेक के बीच कमेंटेटर्स आपस में बात कर रहे थे। उन दिनों नस्लभेद की दो घटनाएं चर्चा में थी। पहली मिनियापोलिस में पुलिस कस्टडी में अश्वेत युवक जॉर्ज फ्लाइट की हत्या। एक व्हाइट पुलिस अधिकारी ने फ्लाइट का गला घुटने से दबा दिया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। दूसरी घटना न्यूयॉर्क के एक पार्क की थी। वहां एमी कूपर नाम की एक महिला कुत्ता घुमा रही थी। इस दौरान उसने कुत्ते को खुला छोड़ दिया। इस पर एक अश्वेत युवक क्रिश्चियन ने टोका। एमी से नाराज हुई, 911 डायल कर पुलिस बुलाने की धमकी दी और जब तक पुलिस पार्क में पहुंची तब तक दोनों वहां से जा चुके थे। बाद में इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। जॉर्ज फ्लाइट और क्रिश्चियन दोनों अश्वेत थे। दोनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्हाइट थे। इसको लेकर अमरीका समेत पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन जोर शोर से चलने लगा। साथ ही कमेंटेटर्स ने मैच के में जब वर्षा का व्यवधान हुआ तब माइकल होल्डिंग से इस विषय पर राय मांगी। होल्डिंग ने अपने जवाब में कहा, हर कोई जानता है कि लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन ये बात कितनों को पता है कि उस बल्ब को लंबे समय तक जलाने के लिए जरूरी कार्बन फिलामेंट किसने बनाया था? वो थे लुइस लातिमेर। कितने लोगों ने लातिमेर का नाम सुना है? होल्डिंग आगे बोले, इतिहास विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, उसमें पराजितों का कोई पक्ष नहीं होता। हमारे समाज ने इतिहास लिखने का जिम्मा उन लोगों को दिया जो बर्बादी के जिम्मेदार थे। उन लोगों ने पीड़ितों का दर्द गायब कर दिया। हमें इतिहास में जाकर उसे ठीक करना होगा। हमें आने वाली पीढ़ियों को दोनों धड़ों का इतिहास पढ़ाना होगा और जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम पूरी मानव जाति को इससे रूबरू नहीं करा देते। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। माइकल होल्डिंग ने कटु सत्य कहा था। नस्ल भेद की घटनाएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। क्विंटन डीकॉक इसका ताजा उदाहरण है। हमें अभी ये नहीं पता कि एक प्रतीकात्मक इशारे से उनकी आपत्ति की वजहें क्या हैं, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी आपत्ति से कई सवाल खड़े हो गए। मसलन, क्या टीम के अंदर अश्वेत खिलाड़ियों के लिए सही माहौल नहीं है? क्या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में फूट पड़ गई है? और अंत में सबसे जरूरी सवाल कि क्या साउथ अफ्रीका अभी भी नस्ल भेद के दौर में जी रहा है? डीकॉक के फैसले ने कई बड़े विवादों को जन्म दिया। ये विवाद वाजिब भी हैं। डीकॉक को इन पर विराम लगाने के लिए ठोस तर्कों के साथ आगे आना होगा, पर क्या उनके पास तर्क बचे हैं? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बताएं। हमारे देश में भी कई भेद होते हैं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर। उनके बारे में भी अपनी राय बताइएगा, क्योंकि भेद तो भेद है। ये बड़ी खबर था। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी ब्राजील से है। पिछले हफ्ते सेनेट की एक कमेटी ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार की लापरवाही पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और उनकी सरकार के कुछ वरिष्ठ सहयोगियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दिया गया। रिपोर्ट में बोल्सोनारो पर मानवता के खिलाफ अपराध का चार्ज लगाने की बात कही गई थी। इसी रिपोर्ट पर 27 अक्टूबर को वोटिंग हुई, जिसमें सेनेटर्स ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब इस रिपोर्ट को प्रोसिक्यूटर जनरल के पास भेजा जाएगा, क्योंकि अदालती कार्रवाई की जिम्मेदारी उन्हीं की है। जानकारों का कहना है कि प्रोसिक्यूटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बहुत कम संभावना है कि वो अपने विवेक से न्यायोचित फैसला लें। अगर बोल्सोनारो पर ब्राजील में केस नहीं चलता तो भी उनके ऊपर से खतरा टला नहीं है, क्योंकि जांच कमेटी ने कहा कि ऐसी स्थिति में रिपोर्ट को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ICC को सौंपा जा सकता है। ब्राजील में कोरोना से 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद बोल्सोनारो के व्यवहार में रत्ती भर का अंतर नहीं आया। कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में एक पत्रकार ने उनसे कोरोना पर सवाल पूछा। इस पर वो भड़क गए और बोले, मैं यहाँ बोर होने के लिए नहीं आया हूँ। बोल्सोनारो ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन भी नहीं ली है। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी सूडान से है। सूडान से ताज़ा खबर यह है कि सेना ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को रिहा कर दिया है। हालांकि उनकी निगरानी चलती रहेगी। बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर अभी भी सैन्य हिरासत में हैं, अज्ञात जगह पर हैं। इससे पहले यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, फ्रांस, चीन समेत कई बड़े देशों ने इस तख्तापलट का विरोध किया और पीएम और मंत्रियों को रिहा करने के लिए कहा, और नहीं करेंगे तो आर्थिक मदद रोकने की धमकी भी दी थी। हम जानते हैं कि 26 अक्टूबर को आर्मी के मुखिया जनरल फतेह अल बुरहान ने तख्ता पलट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस समय बुरहान राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सेना के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तख्ता पलट नहीं करते तो देश में गृह युद्ध शुरू हो सकता था।
25 अक्टूबर को तख्तापलट के बाद अस्थाई सोवरेन काउंसिल को भी भंग कर दिया गया था, जो 2019 में उमर अल बशीर नाम के तानाशाह को अपदस्थ किए जाने के बाद बनी थी। इसमें सैन्य अधिकारी थे, नेता थे, इसका काम था कि ये 2023 के चुनाव करवाए, लेकिन अब चुनाव से पहले ही फिर से तख्तापलट हो गया। आज का दुनियादारी यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।